वेलकम बैक टू माय चैनल दी फन ट्रॉय अनबॉक्सिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम रिमोट कंट्रोल रोबोट की बात करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये पूरी तरह रिमोट कंट्रोल होता है और इसमें इस रोबोट कार में 5 तरह के डिज़ाइन आते हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ई बॉक्स के अंदर ही इनके वेराइटीज़ लिखे होते हैं और ये 5 होता है। इसके रिमोट की बात की जाए तो ये वायरलेस रिमोट होता है, इसमें वायर नहीं होता है और ये फ्रंट से देखने में कुछ इस तरह दिखाई देता है। आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। रोबोट कार को बॉक्स से निकालने के बाद हमें कुछ इस तरह इसका डिज़ाइन दिखाई देता है जो कि एक रोबोट की तरह है। इसे इसके अंदर एक पॉलीथीन बॉक्स भी आता है, इसे हम इसमें से बाहर निकालेंगे। फ्रंट ये फ्रंट हमें कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है इसका, जो कि एक रोबोट का डिज़ाइन है। इसे हम बाहर निकाल लेंगे और इसमें 3 बैटरीज है जो कि इसी के साथ आती है। और बैक साइड भी इसका कार की तरह दिखाई देता है जो कि पूरी तरह फ्रंट इसका देखेंगे तो हम ये रोबोट की तरह है और इसमें 3 बैटरीज होती है जो कि इसके साथ ही आती है। और ये चार्जिंग पिन है जिससे चार्ज किया जाता है इन बैटरियों को। बैक साइड में इसके तीनों बैटरियों को लगाया जाता है जो कि स्क्रू ओपन करके लगाया जाता है। इसमें स्क्रू आता है जिससे ये टाइट रहे और इस तीनों बैटरियों को इसमें लगाया जाता है। और चार्जर ही आपको दिया हुआ है जो मैंने दिखा दिया है आपको। और इसमें रिमोट होता है, रिमोट कंट्रोल ये सिंपली रिमोट होता है। इसमें 2 बैटरीज लगती है। सिंपल रिमोट कार में चार्जिंग केबल आती है जिसे हम इसकी लेंथ देख सकते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। ये एक नॉर्मल चार्जर की तरह इसकी लेंथ होती है। इसका एक साइड का हिस्सा जो कि चार्जर में लगता है, दूसरे साइड का हिस्सा जो कि रोबोट कार में लगाया जाता है। और ये है रिमोट। रिमोट में हम बटन को ऊपर ये ऊपर प्रेस करते हैं तो ये आगे की साइड, और नीचे प्रेस करते हैं तो ये बैक साइड में जाती है। और इसमें 4 बटन होते हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे की साइड। और इसे इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है, वायरलेस होता है। और इसमें पीछे रिमोट के बैक साइड में 2 बैटरीज लगाई जाती है जो कि हम इसमें लगा के देखेंगे। एक बैटरी ऊपर और एक बैटरी उसके नीचे की साइड। इसमें बैटरी लगाने के बाद इसे दोबारा बॉक्स को बंद कर देंगे और इसे स्क्रू को टाइट कर देंगे। रोबोट कार के हम बैक साइड में देखेंगे तो इसमें ऑन और ऑफ़ का एक स्विच होता है जिससे हम इस रोबोट कार को ऑन और ऑफ़ करते हैं। और इसमें एक रेड कलर की लाइट होती है जो कि ऑन होने पर जलती है। इसमें बैक साइड में एक 3 बैटरीज लगती है जो हम इसमें लगा देते हैं। तीनों बैटरीज लगाने के बाद इसमें ये एलईडी लाइट कुछ इस तरह से जलती हुई दिख रही है और इसका फ्रंट में जो एलईडी है वो इस तरीके से हमें दिखाई दे रही है। अब इसे बैक साइड में इसमें चार्ज करने के लिए एक चार्जर पिन का ऑप्शन भी दिया गया है जिससे इसमें तीनों बैटरियों को हम चार्ज किया जा सकता है।
ऑन ऑफ बटन के पास ही इसमें एक चार्जर लगाने के लिए इसमें एक ऑप्शन होता है। आज हमने आपको एक रोबोट कार के बारे में बताया जो कि पूरी तरह रोबोट भी बन जाता है और कार भी बन जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो को अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के नोटिफिकेशन